सबके लिए भी। एक बात जरूर याद रखिएगा कि हर चीज का कोई ना कोई कारण जरूर होता है, हर सवाल का जवाब होता है, जैसे इस सवाल का भी है जो पूछा है हमसे कृष्ण गुप्ता ने। मैंने ताली बजाई, आपको सुनाई दी। मैंने ताली दो बार बजाई, आपको दो बार सुनाई दी। लेकिन फिर ये आवाज कहां चली गई? यही तो पूछा है कृष्णा ने। पूछते हैं कि सुनाई देने के बाद आवाज कहां गायब हो जाती है, कहां चली जाती है? इसका जवाब छुपा है साउंड वेव्स में, ध्वनि तरंगों में। चलिए समझते हैं। साउंड एक वाइब्रेशन, एक कंपन, मानो एक धक्का। ध्वनि माध्यम को धक्का देकर ही तो आगे बढ़ती है। जितनी जोर का धक्का, उतनी अधिक ऊर्जा, उतनी जोर की आवाज। लेकिन ये धक्का जैसे जैसे दूर जाता है वो कमजोर होता है और आखिर में खत्म हो जाता है। तभी तो आवाज के सोर्स के जितने पास हमारा कान, उतनी जोर की आवाज़।